अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बताएंगे आपको शलवार की कटिंग और कमीज़ की कटिंग, सिंपल। जितनी आपकी लेंथ हो पहले आप लेंथ लें अपनी। कटिंग भाभी कर रही हैं तो इसकी देख सकते हैं आप, 40 लेंथ है, देखें। एक्स्ट्रा कपड़ा इसकी कटिंग कर रही हैं और ये भाभी कटिंग कर रही हैं कमी शलवार की। अब लेंगे घेर की चौड़ाई, ये है हमारी 20 और तैयार होकर 18 हो जाएगी। अब आसन की लंबाई, ये देखें 20 और तैयार होकर 18 हो जाएगा। और उसकी लेंथ है 39 और जो 2 इंच चली जाएगी पांचों में और 2 ही चली जाएगी आसन में, सॉरी आसन में नहीं, ये 2 ही इंच आएगी नेफे में। अब लेंगे हम पांचों की लंबाई, ये 2 इंच जो हमने निशान लगाया है ये सिलाई में जाएगा, नौ इंच ली है हमने फिटिंग की, पांचों की फिटिंग जो आसन में हमने निशान लगाया था सात पांचों के साथ मिला के उसको स्टॉप कर निशान लगाते जाएंगे। चाक का कलर भी हमारा पिंक ही था और कपड़े का भी है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। पांचे को और आपने आसन की जो है निशान लगाया था हमने उसको मिला लेना है। अब हम कटिंग करेंगे पांचों से। अब जो नेफे का कपड़ा था उसको हम अलग करेंगे इन पीसों को दोनों को। देखिए शलवार हमारी कट चुकी है और साथ ही हम कटिंग करेंगे कमीज की। अच्छा आप करें। हमारी शर्ट में है रेप, रेप को हम ये देखें रेप भी है और इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले इस कॉर्नर को पकड़ेंगे जहाँ से रेप का मुँह, उसको पकड़ के फिर दूसरे कॉर्नर से पकड़ेंगे, ऐसे देखें पकड़ के खींचेंगे कोनों को और रेप निकालेंगे। लेंथ है हमारी 39, देखें लेंथ है 39। आप अपने हिसाब से करें जितनी आपकी लेंथ है और 39 पे निशान भी लगा दें। दामन है हमारा 25 और 12.5 पे निशान लगाएं, 12.5 25 और 12.5 पे निशान लगाएं। उसके बाद अब ऐसे ही सारी कमीज़ पे हम निशान लगाएंगे 12.5 पे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो हम कटिंग कर लेंगे फिर। ये 12.5
रेब में कपड़ा था वो हम कटिंग करेंगे पहले निशान लगाने के बाद। तीरा है हमारा सतारा, कीड़ा है हमारा सत्रह है और हम काटेंगे 8.5। शोल्डर की कटिंग हम करेंगे 9 पे निशान लगाएंगे। जिनका कम होता है कंधा तो वो 7 भी रख सकते हैं, जो ज़्यादा हेल्दी हो तो वो 9 कर सकते हैं या 8, लेकिन हम निशान लगाएंगे 8 पे। जॉन कल या जब ऐसे लेके अपने कपड़ा देखे जस्ट फिटिंग एप्पल शेप में। चेस्ट की हमारी है 23 और हम इसे रखेंगे 11.5। साढ़े 11 पे निशान लगाएंगे फिटिंग के लिए 15। फिटिंग का करेंगे 15 निशान लगाएंगे लंबाई में ही। देखिए जो हमने 15 पे निशान लगाया तो वो ऊपर से हमने इसकी लेंथ ली थी, ऊपर से निशान रख के तो आपने इसका निशान लगाना है। फिर 10 पे लगाएंगे फिटिंग का ये निशान है। बगलों की हमने जहाँ निशान लगाया था वहाँ से लेके हमने ये 13 पे निशान लगाएंगे। ये हिप है, हिप्स के हम निशान लगाएंगे 13। हाँ हम 11.5 पे निशान लगाएंगे। लंबाई का जो निशान है वो हमने 13 का निशान लगाया है। चौड़ाई जो है हमने 11.5 पे, और इसकी कटिंग हम शुरू करेंगे ऊपर से शर्ट से। आधा इंच हम तीरे से काटेंगे, तिरछा करेंगे इसको। बैक रखा है हमने, बैक रख के हमने फ्रंट रखा जो कटिंग की हुई थी, अब उसी को रख के हम कटिंग करेंगे। अब बैक वाले की कटिंग करेंगे साथ, फ्रंट को रख के। एक्स्ट्रा कपड़ा आपने नहीं छोड़ना, साथ ही कटिंग करना है। फ्रंट की हम 1/2 इंच कटिंग करेंगे। इसे
फिटिंग अच्छी आएगी। और जहाँ से हमने फिटिंग के निशान लगाया वहाँ से हम कटिंग करेंगे। हमारी कमीज की भी कटिंग हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो बताएं आपको कैसा और डिज़ाइन चाहिए, किस चीज़ का, शलवार में या कमीज़ में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। किस चीज़, सॉरी बाजू की कटिंग रहती थी वो बताएंगे अभी कटिंग करके आपको। फोर टाइम हमने इसको फोल्ड करना है बाजू को। हमारी लेंथ है 18.5 बाजू की। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट लेंगे वाइट वाला। और फिटिंग है हमारी बाजू की 6.5 पे हम निशान लगाएंगे। आधा इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है और कंधों की जो चौड़ाई है उसे हम 9 पे निशान लगाएंगे। जो लंबाई हमने चौड़ाई की थी और फिटिंग की थी बाजू की, इसको हम निशान को मिला लेंगे आपस में और इसके साथ हम निशान लगाएंगे 9 के और 6 पे जो निशान लगाया था इसको। अब हम कटिंग करेंगे फिटिंग से। चलें जब हमारी बाजू भी कट गई है, बाजू नहीं कटिंग करनी है। अब ऊपर जो हम शेप देंगे वो 1.5 इंच की दे दें आप। शेप से कटिंग करेंगे, थोड़ा सा शेप देने के लिए इससे बाजू को। चलें जब बाजू भी कट गई है अब तो बनता है। अल्लाह हाफिज़।